क्वेश्चन है, आपके पास ये एक फिगर है, 30 डिग्री पे ब्लॉक है, तो द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स डाउन द इंक्लाइन फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इज 1 न्यूटन। देखो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और तुमने फोर्स कैसी लगाई, डाउन द इंक्लाइन, नीचे की तरफ, ठीक, ताकि ये रेस्ट पे रहे। और मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन, अब तुमने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर लगाई। दो केस बनेंगे, एक बार फोर्स नीचे लगाई, एक बार फोर्स आपने ऊपर लगाई, ताकि ब्लॉक फिर से किस पे रहे, एट रेस्ट। तो जो नीचे लगाई वो 1 न्यूटन लगाई, ऊपर लगाई वो 7 न्यूटन लगाई, तो आपको बताने की म्यू क्या होगा। तो आप इसके अंदर ना दो केस करें, दो केस बनाएंगे इसमें। जो पहला केस है, पहला केस आपने फोर्स पहले कहाँ लगाई, 1 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगाई, तो mg cos mg sin, राइट। आप मुझे एक बात बताओ, पहले अगर ये ब्लॉक यहां रखा जाए, mg sin θ फोर्स इसको नीचे लेके आएगी, और आप भी चाह रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स नीचे आ जाए, पर क्वेश्चन में गिवन है ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे कैसे हो सकती है, किसने बचाया इसे, फ्रिक्शन ने, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर होगी। समझ में आ रहा है ऊपर क्यों होगी, क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो ऊपर कुछ लगा ही नहीं, तुम तो दोनों फोर्सेस नीचे लगाते जा रहे हो, तो फ्रिक्शन ही ऊपर लगी होगी, तभी ये ब्लॉक किस पे रह सकता है, एट रेस्ट। और रेस्ट की कंडीशन क्या है, रेस्ट की कंडीशन है mg sin 30 + 1 = μ × नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की और नीचे की फोर्सेस बराबर है, तो क्या बनेगी, mg sin 30 + 1 = μ × नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पर, mg cos 30, इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन बना लें, पहला केस क्लियर है। अभी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स को कहां लगाया, डाउनवर्ड लगाया, अब केस नंबर 2 में फोर्स कहां लगेगी, अपवर्ड्स। तो केस नंबर 2 में फोर्स अपवर्ड लगेगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, ये इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड लगेगी, यही तो इंपॉर्टेंट है, खेल तो फ्रिक्शन ही खेल रही है ना, बाकी तो बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे। mg sin θ कभी तंग किया किसी को, किसी को भी नहीं तंग किया, वो तो बेचारी हमेशा ही नीचे लगती है, क्या नॉर्मल रिएक्शन तंग किया, नहीं किया, वो तो हमेशा ही ऊपर लगता है, तो ये तो कोई चेंजेस होती नहीं है, चेंज सिर्फ एक चीज होती है, फ्रिक्शन। अब तुम्हारी दोनों फोर्सेस अगर नीचे हैं तो फ्रिक्शन ने बचा लिया, सही है यहां तक। केस नंबर 2, तुमने फोर्स कहां लगाई, ऊपर, जब तुमने फोर्स ऊपर लगाई 7 न्यूटन और ब्लॉक तो अभी भी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है mg sin θ वो नीचे है, और क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी, अब देखो एक से तुमने 7 न्यूटन कर दी है, तुम यानी कि ब्लॉक को कहाँ खींचने की कोशिश कर रहे हो, ऊपर, तुम बिल्कुल नहीं चाह रहे वो नीचे जाए, तुम चाह रहे वो ऊपर आए, और अगर तुम चाह रहे वो ऊपर आए, चाहे वो ऊपर आ नहीं रही, तो फ्रिक्शन तो फटाफट कहाँ करेगी, नीचे, क्योंकि पिछले केस में तुम ये चाह रहे थे कि वो नीचे आए, तुम्हारी चाहत के ऑपोजिट है ये, तुम जो चाहते हो उसके तो ऑपोजिट जाएगी ना, क्योंकि रोकने की कोशिश करेगी, और अगर ये ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फटाफट नीचे, क्योंकि ये तो कभी चेंज होता ही नहीं, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो 7 = mg sin 30 + μ × नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइड करके निकाल लें म्यू आ जाएगा, दो इक्वेशन तो चलो साइमल्टेनियसली तो आपने सॉल्व करना है, मेरा बेस्ट तरीका तो जो मैं करता हूँ वो डिवाइड ही करता हूँ, डिवाइड में क्या है कि झंझट ही खत्म है, सब कैंसिल कुंसल हो जाते हैं जो होनी है चीज़ें। तो यहाँ पर चेक करो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट।